हेलो दोस्तों, क्या हाल आप लोग के। आज हम अपना ब्लॉग शुरू कर रहे हैं 11 बजे से। और आज आपको एक यार गांव घरों में पता नहीं पहाड़ में लोग ऐसे ऐसी जगह घर क्यों बनाते हैं। देख रहे हो जैसे मेरे जस्ट पीछे है, मैं अच्छे से दिखाता हूँ। तो पता नहीं ऐसी जगह लोग अपना घर क्यों बनाते हैं जहाँ बार बार मिट्टी ऊपर से लैंडस्लाइड होती रहे या छत के ऊपर या बिल्डिंग पे दिक्कत हो। पर क्यों जब घर बनाते हैं तो उस टाइम पे अच्छे से सोच समझ के नहीं बनाते हैं। अब पैसा तो लगा रहे हैं तो एक जगह अच्छे से लगाओ ना, ऐसी जगह लगा कि क्या फ़ायदा। अब ये देखो रोड, रोड के साइड में घर और एक कमरे के अलावा दूसरा पीछे को कोई जगह ही नहीं है। और ऊपर देखो लैंडस्लाइड की, वो रास्ता भी उनका आंगन तक टूटा है, रास्ता तक टूटा है सब। अगर दोबारा अगर ऐसा कुछ हो, बाई चांस दोबारा ऐसा कभी हो तो नहीं, लेकिन कभी हो गया बाई चांस, तो देखो कितनी सारी मिट्टी आएगी कहाँ, इसकी छत पे। छत किसको नुकसान पहुँचाएगी, बिल्डिंग को। तो दिक्कत किसे होगी, इन्हीं को दिक्कत होगी। पता नहीं क्यों सोच समझ के, इससे अच्छा यहाँ पे क्या जगह है, कोई जगह घर बनाने लायक। कितना सारा पैसा लग गया है दीवार पे, बिल्डिंग पे, उस पे और ऊपर अलग से रास्ते में अलग से दिक्कत है, अगर गिर गया तो बाई चांस। इससे अच्छा सही जगह बना लो ना एक बार घर बनाना है तो। खैर खैर एनीवे, अब हम चलो अब सबसे पहले यहाँ से निकलते हैं और हम जाते हैं एक जगह सगाई पे। सगाई फंक्शन करते हैं आज। चलो गाइज, हम लोग यहाँ से निकलते हैं अभी सीधे सगाई की तरफ और वहीं जाके दिखाते हैं बाकी प्रोग्राम। ये देखो मैं हूँ रास्ते में और सामने देखो हिमालय पर्वत, हल्के हल्के बादल लगे हुए हैं वहाँ पे, लेकिन मस्त लग रहे हैं एकदम। को खानी है चॉकलेट और हमने ले ली चॉकलेट, अब हम यहाँ से निकलते हैं। देखो भाई जानी पहचानी दुकान लग रही है ना, लग रही है यही था वो चिकन राइस वाला, जानी पहचानी लग रही होगी आपको दुकान देख के। जिसने ज्यादा मिर्ची डाल दी थी, हाँ जिसने ज्यादा मिर्च डाल दी थी, अभी बना रहा है ये, फिर से वही बना रहा है, देख रहे हो। जैसा वही मान रहा है। मैं जा रहा था सगाई में और मेरे को पता भी नहीं है कहाँ है, कौन है, क्या है, कुछ पता नहीं है सगाई का। तो अभी फिलहाल मैं से कह रहे कि अभी गाड़ी से पास लेके तुम पहले निकल आए। बस मैंने कहा यार पता नहीं कौन है क्या है, अब वो आ रहे हैं फिलहाल पीछे से, मैं पहले पहुँच चुका हूँ, वो थोड़ा पीछे ही है, अभी आ रहे हैं, फिर देखते हैं और फिर चलते हैं सगाई प्रोग्राम पे। ये देख रहे हो भाई पहुँच चुके हैं ये लोग भी और हम थोड़ा सा पीछे थे और ये लोग पहुंच चुके हैं, चलो इनके साथ साथ चलते हैं। ये देखो ये दोनों पहुंच चुके हैं और ये दोनों लेके आए इन लोगों को, ये कह रहे थे मेरे से पास लिया, मैंने तुम लोगों से पास कब लिया। ये देखो चल दिए सब लोग सगाई में। तो जी पहुंच चुके हैं हम जहां सगाई है फिलहाल, तो आते ही देखो हो रही है खातिरदारी, हम लोग के लिए ला चुके हैं। हम धूप में बैठे हैं, बाकी लोग तो ऊपर बैठे हैं मस्त। हमने कहा हम नीचे ही बैठते हैं धूप में, क्योंकि धूप में बैठने का आजकल ठंड के दिनों में मज़ा ही कुछ और होता है ना, इसलिए। सगाई की सब कुछ यहाँ पे फिट हो चुका है और हम शूटिंग मोड में, हम भी अपना फिट हो चुके हैं, केक कट करते हैं फिर उसके बाद रिंग विंग का काम करते हैं। ये देखो केक केक कट हो ही चुका है, अब टीका का लगा रहे हैं सभी लोग और हमें शूटिंग मोड पे। देखो गाइज फोटो शूट हो चुका है पूरा और हम कर रहे हैं अब खाना लंच। ये देखो ये है परसों होने वाले दूल्हे राजा, आज इन्हीं की सगाई थी तो इन्हीं की सगाई में जो है फोटोग्राफी कर रहे थे हम लोग। ये देखो दूल्हा दुल्हन मस्ती के साथ आ रहे हैं, देख रहे हो भाई। ये लोग ना इतनी दूर लेके आए ना, हमें 1 किलोमीटर दूर लेके आए हैं घर से कि फोटो वहां लो करते करते। खैर मना भी करे तो कैसे करें, काम है, काम करना पड़ेगा,
एनीवे देखो पीछे से देखो कपल कितने अच्छे से आ रहे हैं, देख रहे हो आप लोग भी ऐसे आते हो क्या जब आपकी शादी हुई थी? बिल्कुल। वो देखो इसके पार उस साइड जो है घर है और हमें लेके आए इस साइड वाली रोड पे भाई, देख रहे हो अभी से शादी भी नहीं हो रखी है, आज रिंग सेरेमनी है उसी में देख लो क्या हाल है, शादी के बाद क्या हाल होंगे भाई के। पहले गुलाम बन, अब देखो सामने घर है और हम सामने से पहले इतनी दूर, पहले यहाँ पे कराया था मैंने, माने नहीं और दूर लेके गए। एनीवे क्या ही कर सकते हैं भाई, जाना पड़ेगा। हाँ मान जब नहीं रहे तो ये लोग जी, प्रोग्राम खत्म, वो लोग नीचे ही हैं घर पे कुछ काम कर रहे होंगे, कुछ और प्रोग्राम होगा उनका, मैं चला सीधे संगीत में, अब चलता हूँ मैं सीधे यहाँ से निकल के संगीत में, सगाई यहाँ पे एंड हो चुकी है। तो चलो गाइस मैं अभी यहाँ से निकलता हूँ संगीत पे जाने, तो ठीक है तो ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक हमारे चैनल पे नए हो तो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। बाय।